हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा ए सेमेस्टर सोशल प्रिवेंटिव फार्मेसी। इसकी हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई थी। यूनिट थर्ड में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन एंड क्या हम इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आज हम स्टडी करेंगे HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से मुझे पर्सनल कॉन्टेक्ट करके अफोर्डेबल प्राइजेस में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो टॉपिक है हमारा HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसकी डेफिनेशन देख ली, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म हो गई एक्वायर्ड एम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? तो दोस्तों, जो एड्स जो डिजीज है वो बेसिकली इस वायरस के कारण होती है। तो इन दोनों के बारे में हम स्टडी करना है। कंट्रोल प्रोग्राम हमें जो कंडक्ट करवाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उससे रिलेटेड हमें स्टडी करना है। तो पहले देख लेते हैं प्रोग्राम क्या है। द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, विच वॉज इनिशिएट इन 1992। याद रखना दोस्तों, 1992 में फर्स्ट जो प्रोग्राम था कंट्रोल फॉर एड्स इस कंडक्ट किया गया था। इज बींग इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एज सिस्टमिक HIV एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम। 1992 में फर्स्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा आगे देखते हैं एम ऑफ प्रोग्राम, क्या एम था इस प्रोग्राम का, इसको कंडक्ट करवाने की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी एसोसिएट विद HIV इन्फेक्टेड एंड मिनिमाइजिंग द इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ HIV इन्फेक्शन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर HIV ट्रांसमिशन। तो इसमें क्या था कि जो HIV पेशेंट थे, एड्स पेशेंट थे, उनकी जो डेथ हो रही थी, जो उनका डेथ रेशियो था, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी, उसको डिक्रीज करने के लिए ही, क्योंकि प्रोग्राम क्यों कंडक्ट करवाया जाता है, जब कोई डिजीज हद से ज्यादा मतलब कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। मतलब जो उसके द्वारा डेथ हो रही है उनको भी कंट्रोल करना जरूरी होता है। जैसे आज के टाइम में चल रहा है COVID-19, तो सभी चीजों के बारे में इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि डेथ भी नहीं होनी चाहिए और इसको कंट्रोल भी किया जाना चाहिए। इसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ये भी इन्हीं के अंडर आते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ पहले डिजीज थी उनसे रिलेटेड हमें स्टडी करना है। तो ये एम हो गया इसका। अब इसके बाद देखिए, 1986 में फर्स्ट केस आया था HIV का, आइडेंटिफाई किया गया था। इसके बाद फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी कब, 1992 में। लेकिन तो थर्ड प्रोग्राम था इसका, वो स्टडी हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था 2007 में, द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इनिशिएट। थर्ड था ये, जो फर्स्ट था वो 92 में था, 1992। तो NACO जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज मैन एजेंसी, जो क्या करती थी, पॉलिसी बनाती थी इसके लिए और इसमें इम्प्लीमेंटेशन करती थी ऑफ HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मतलब अब कोई प्रोग्राम हो रहा है, कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया जाता है जो उसको कंट्रोल कर सके। तो उसका नाम था NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, यही इसको कंट्रोल किया था इसी एजेंसी ने, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो इसमें क्या बनाया, क्या रूल बनाया था कि स्प्रेडिंग, जो डिजीज स्प्रेड हो रही थी उसके लिए वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि रेगुलरली ड्रग्स यूज करो और जो कम्युनिटी है उसमें अवेयरनेस एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना, कि एजुकेशन ज्यादा होगी क्योंकि ये डिजीज कम्युनिटी से रिलेटेड है। एजुकेशन अगर होगी, सबको पता होगा कि क्यों कोज हो रही है। जब किसी चीज का कोज हमें पता होता है कि किस कारण से ये स्प्रेड हो सकती है, तो हम इसको इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं और इस डिजीज को हम स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो यही इसका प्रोग्राम का मेन मोटो था, जो अवेयरनेस एंड एजुकेशन, वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए।
लेकिन अब वैक्सीन भी आती है इसकी। सम ऑफ द इम्प्लांटेड प्रोग्राम ऑफ एनएसईओ, कौन कौन से प्रोग्राम थे इसको प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो एनएसईओ कंडक्ट करवाता था। ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, अब ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, थोड़ा हमने यहाँ पॉइंट वाइज ही लिया है, नोट्स में आपको कंप्लीट डिटेल स्टडी मिल जाएगी इनकी, लेकिन यहाँ भी हम आपको समझाएंगे सभी टॉपिक्स के बारे में। 6 टॉपिक है प्रोग्राम जो एनएसईओ कंडक्ट करवाता है। तो ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, ब्लड सेफ्टी में क्या है कि जो एचआईवी पर्सन है, एचआईवी इंफेक्टेड पेशेंट है, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ब्लड किसी और पर्सन में चला गया तो उसको एचआईवी होना कंपलसरी है, मतलब उसको जरूर कोज होगा। तो ऐसा मतलब जो भी ब्लड सैंपल्स मतलब कलेक्शन किए जाते हैं, ब्लड डोनेशन होता है, उसमें प्रॉपरली चेकिंग होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई एचआईवी नहीं, इसके अंदर अगर कोई भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके द्वारा भी एचआईवी कोज होता है, क्योंकि ज्यादा जो मेन रूट होगा एचआईवी का तो वो होगा सेक्सुअल रूट, तो उसके द्वारा बेसिकली ये कोज होता है। सेकंड है कोंडम प्रोग्रामिंग, कोंडम प्रोग्रामिंग से क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा प्रिवेंट होता है, क्योंकि जो डिजीज है एचआईवी, इसका रिलेशन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। तो मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब अगर किसी पर्सन में एचआईवी है, मेल फीमेल जो भी है, अगर वो इंटीमेट होंगे तो उनमें दोनों में ये डिजीज कोज हो जाएगी। तो अगर कॉन्डम्स का रेगुलर यूज किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसको काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे बचा जा सकता है एचआईवी से, तो आप इससे अवेयर रहें, इसके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। थर्ड है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, आईईसी, आईईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, जैसे एचआईवी डिजीज है तो इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमें होना चाहिए। एजुकेशन, अगर एजुकेशन होगा तभी तो हमें नॉलेज होगा। कम्युनिकेशन, हम इसको स्प्रेड करेंगे, जैसे हमें पता है तो हम आप तक स्प्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने फैमिली में बताइए, ऐसी चीजों से मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, अगर किसी कोई अवेयर नहीं है तो उनको अवेयर करें। तो ये हो गया सोशल इमोबिलाइजेशन। टारगेट इंटरवेंशन, टारगेट इंटरवेंशन भी एक ये है कि जो टारगेट लिया गया है, अगर वो एच आई वी पेशेंट है, अगर एनजीओ या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा टारगेट लिया गया है, इसको कंट्रोल करने के लिए तो पूरा होना चाहिए। एनजीओ इंटरवेंशन, एनजीओ का मतलब इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनजीओ बनाने चाहिए, जो अलग अलग एरियाज में इसको कंट्रोल करने के लिए अपना वर्क कर सके, और इसके लिए फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होगी एचआईवी की वो प्रॉपरली होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए जो भी करवाना चाहता है। तो इसमें ये 6 पॉइंट थे, इनके बारे में हम नोट्स में थ्योरी भी लिख दी है, आप उनको परचेज कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआईवी एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइज किया गया है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव हमने पॉइंट वाइज यहां पर ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट है ट्रांसफ्यूजिंग सेफ ब्लड, इससे क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, कि जो ब्लड हम ट्रांसफर कर रहे हैं या करवा रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, कि उसमें कोई भी इंफेक्शनस डिजीज वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए, एचआईवी पेशेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड है रिडक्शन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ट्रांसमिशन, तो इसमें क्या, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कंप्लीट डिजीज है उनके जो ट्रांसमिशन है उसमें कमी होनी चाहिए, जिससे एचआईवी रुक सकेगा। प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी ट्रांसमिशन, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, कि जो एचआईवी ट्रांसमिशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना है। एस्टैब्लिशिंग सर्विलेंस, मतलब जो ओवरऑल कम्युनिटी है, कंट्री है, उसमें सर्विलेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाए। क्रिएटिंग एंड एनेबलिंग एनवायरमेंट, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए इस डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव थे एनएसईओ या इस प्रोग्राम के जो नेशनल हेड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम था इसका। क्रिएटिंग बिल्डिंग द राइट कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी डेवलप करें इस प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ स्टाफ, जो भी हेल्थ स्टाफ है इस डिजीज को प्रिवेंट करवाने के लिए या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हेल्प करें, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए।
स्टडिंग बिहेवियर एंड रिसर्च, जो रिसर्च है बिहेवियर्स है डिजीज के उन पे भी फोकस होना चाहिए। डेवलपिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट, जो प्रोग्राम है उनको प्रॉपरली मैनेज करना डेवलप किया जाना चाहिए। कम्प्रेहेंसिव केयरिंग असिस्टेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर द पीपल विथ HIV, मतलब जो भी पेशेंट है HIV पेशेंट है सभी को समान जो इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी कोई पेशेंट है तो उसको पब्लिकली या सोसाइटी से सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि डिजीज किसी को भी हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को हो रही है, अगर आप उसको कुछ गलत बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर हमें भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है, अगर आप प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो 8 डिजीज हमने देखी है प्रोग्राम देखे इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि HIV/AIDS प्रोग्राम के बारे में नोट्स लिखिए। तो इसमें आपको यही लिखना है, फर्स्ट हम बता देंगे कि कब ये ऑर्गेनाइज हुआ, क्या इसका एम था, देन इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए गए, देन इसके ऑब्जेक्टिव आगे और डिजीज में हम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग जो भी हमें टॉपिक्स मिले हैं वो हम कवर करेंगे। आपका एक अब ज्यादा ये है कि ये आपको 10 मार्क्स में भी मिल सकता है, लेकिन हमारे नोट्स में कंप्लीट थ्योरी है, व्हाइट बोर्ड पे इतना रिप्रेजेंट नहीं कर पा, 10 मार्क्स के हिसाब से ही हम इनको नोट्स को प्रिपेयर किया है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने एक ही बोर्ड पे इसको राइट किया है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके बारे में। प्लीज कीप योर सपोर्ट एंड धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।